आदमी की बुनियादी जरूरियात क्या है? सबसे बड़ा बुरे वक्त पे घर में अगर कोई बीमार हो तो उसके पास ये उसको फिक्र ना हो कि मैं मेरे घर में माँ बाप या मेरे बच्चों का इलाज इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हेल्थ, और इससे दूसरी चीज क्या होगी कि पाकिस्तान में एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेल्थ स्ट्रक्चर क्यों बन जाएगा? क्योंकि अभी तक हुकूमत को पैसे खर्च करके हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, अब आपको हॉस्पिटल गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाने के लिए, अब लोग खुद आके प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड मिलेगा, 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। सेहत कार्ड जैसे इंकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता, रियासत में कमजोर तबके के लिए एहसास होता है, फलाही रियासत आवाम की जरूरियात पूरी करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग और मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, दहशतगर्दों की शनाख्त शहजाद अलियास और जाकिर के नाम से हुई, हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। मीर अली में दौरान ऑपरेशन पाक फौज के 4 जवान मातरे वतन पर कुर्बान, ISPR। हुकूमत का आवाम के नए साल का तोहफा, बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का फैसला, नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फीन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा, फैसले के इतलाक रकम दिसंबर 2021 से होगा। बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ 3 माह के लिए किया गया, नेपरा। साल 2021 का आखिरी सूरज खुशियों तल्खियों कारनामों के साथ शाम को गरूब होगा, नए साल में अधूरे ख्वाब पूरे हों, मोहब्बत और भाईचारे के फरोग का साल साबित हो, आमीन टीम रोज का दुआ। नए साल की आमद आमद, लोगों ने पार्टी प्रोग्राम तरतीब दे दिए, मंचलों पर हुल्लड़बाजी की पाबंदी, वन विलिंग करेंगे तो जेल जाएंगे, आतिशबाजी और ओपन पार्टियों पर पाबंदी, पुलिस ने कमर कस ली। नए साल आम, वजीर पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत, कहा हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, पुलिस ऐसे वाकयात रोकने के लिए पेश की इकदाम उठाए, पुलिस अफसरान जामिया हिकमत अमली वास्ते करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल की खुशी में आतिशबाजी का मुजाहरा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, अदालत ने दरख्वास्त में नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, ये तो अभी सऊदी अरब में भी हुआ है, पब्लिक को एंजॉय करने दें। चीफ जस्टिस अजहर मिर्ज़ा की ओर नए साल के पहले कारोबारी रोज स्टेट बैंक बंद रहेगा, 3 जनवरी बरोज पीर को बैंकों में काम नहीं होगा, कमर्शियल और इस्लामिक बैंक में भी 3 जनवरी को बंद रहेंगे। नए साल का पहला कारोबारी रोज पीर 3 जनवरी को होगा, ऐलानिया स्टेट बैंक। ऐवान-ए-सदर पब्लिक के लिए 1 जनवरी 2022 को खोल दिया जाएगा, ऐवान-ए-सदर 1 जनवरी 2022 को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, तमाम मेहमानों शहरियों का फेस मास्क पहनना लाजमी, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फोन और कैमरे लाने की इजाजत नहीं होगी, शहरी ऐवान-ए-सदर के जनूबी गेट से दाखिल हो सकेंगे।
कोरोना फिर सर उठाने लगा। मौलिक वायरस कोरोना से मजीद 6 अपराध जाम बहक। मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अपराध की तादाद 28,927 हो गई। 24 घंटे के दौरान 515 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बित केसेस की शरह 1.07% रिकॉर्ड। दो हजार इक्कीस के अख्ताम तक 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया गया। विफाक इंतजामिया और तमाम टीमों का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। तमाम लोगों की मेहनत से एक हदफ हासिल हुआ। हदफ को लोग नामुमकिन समझ रहे थे। सरबरा NCOC आसद उमर का ट्वीट। फाइनेंस तरमीमी एक्ट में सिनेमा और फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं है। गैर मुल्की ड्रामा दरामद करने पर भारी टैक्स आयद कर दिया। इश्तराक में गैर मुल्की मॉडल्स लेने पर भारी टैक्स आयद होगा। पाकिस्तानी फिल्मी सनत और फनकारों के तहफ्फुज़ के लिए गैर मुल्की मवाद पर टैक्स लगाने का फैसला किया। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का ट्वीट। मिनी बजट से 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में डायरेक्ट इजाफा होगा। बिलावास्ता सेक्टर अशिया महंगी होंगी। 2 माह पहले वजीर आजम ने 150 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया था। उनका मंशूर और दावे झूठ पर मबनी है। सेनेटर शहरी रहमान का बयान। अपोजिशन का कौमी असेंबली में गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रवैया काबिले मजम्मत है। अपोजिशन के अरकीन ने जमहूरी रवायत की धज्जियां उड़ा दी। अपोजिशन का बिला जवाब शोर शराबा सिर्फ खुद नुमाई की नाकाम कोशिश थी। अपोजिशन को अपने गैर हाजिर लीडरों पर एहतजाज करना चाहिए था। अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है। कौम इस मुनाफिक टोले के दोगले चेहरों को पहचान चुकी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का बयान। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल का नादरा ऑफिस रहमानाबाद पर छापा। अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर देने पर 2 असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार। गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ तफ्तीश शुरू। नादरा अफसरान अफगानियों को गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा कर देते थे। FIA सिंध भर में 3,442 गैर फाल स्कूल बंद। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों की खराब हालत के बायस बंद करने का फैसला किया गया। 1400 सरकारी स्कूल पहले ही कई सालों से बंद थे। स्कूलों में तैनात असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते रहे। महकमा तालीम का स्कूलों में तैनात असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। मकबूजा कश्मीर में काबिल भारतीय फौजियों का जुल्म और सितम जारी। रियासती दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाई में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। 2 रोज में शहादा की तादाद 9 हो गई। इलाके में कशीदगी बरकरार। इंटरनेट और फोन सर्विस मुअत्तल। और साल 2021 में मुतअद्दिद नामवर शोबिज़ शख्सियात हमसे बिछड़ गई। नीलू बेगम लॉलीवुड के राजा एजाज दुरानी। पाकिस्तान की पहली टीवी मेजबान कमल नसीर हमसे बिछड़ी। पाकिस्तान ड्रामों की मलका हसीना मोइन। मारूफ लोक गुलकार शौकत अली अदाकारा सुंबल चाहिद भी दावे मफारकत दे गईं। माजी की मकबूल अदाकारा तल्लत सदीकी मारूफ मजा निगार फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम भी मदाहों को रोता छोड़कर सफरे आखरत पर चले गए। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ भी दारे फानी से कूच कर गए। अस्सलामुअलैकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूं फसीहा सती और मैं हूं सुमेरा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। रोज न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।